सो हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ यश अग्रवाल। तो जैसे कि आपको पता है, हम हिस्ट्री की लेक्चर कर रहे हैं और जिसमें कि अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पर हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के हमने चार लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने शुरू में इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद मैंने आपको और डिटेल में बताया कि कॉमन एरास क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री पे आए, जिसमें मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में विस्तार में समझाने की कोशिश की। शुरुआत का बताया मैंने कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, राइट। फिर मैंने आपको ह्यूमन एवोल्यूशन भी बताया। ह्यूमन एवोल्यूशन बताने के बाद मैंने आपको लिथिक एज जब बताया, उसके भी हमने कुछ पार्ट्स डिवाइड किए लिथिक एज के, जिसमें हमने देखा नियोलिथिक, आई मीन पहले पैलियोलिथिक, फिर पैलियो के बाद मीजोलिथिक और फिर नियोलिथिक। अब हम देखेंगे तो पैलियोलिथिक पढ़ा, पैलियोलिथिक के हमने और भी डिटेल में गए, लोअर, मिडिल और अपर। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप सबसे पहले ये वीडियो देखना, क्योंकि आप जब सीरियलिटी से पढ़ेंगे ना, तब आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा न्यूलिथिक एज के बारे में। तो न्यूलिथिक एज क्या होता है, तो एकदम विस्तार से समझेंगे हम इसको। न्यूलिथिक बताऊंगा, न्यूलिथिक के बारे में उसका ह्यूमन लाइफ भी समझाऊंगा, है ना। एग्रीकल्चर बताऊंगा इसका, फिर हम एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे, क्लॉथ्स देखेंगे, हाउस देखेंगे, पोटरी देखेंगे, ठीक है। फिर विस्तार में समझेंगे, हर चीज़ समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। तो देखते हैं न्यूलिथिक एज में क्या है। तो देखो, सबसे पहले न्यूलिथिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ नया है ना। न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, न्यू मतलब होता है न्यू मतलब नया, और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो न्यू स्टोन एज, इतना समझ में आया। फिर देखते हैं आगे। देखो क्या था, इंडिया में, भारत में जो इसका जो क्रेडिट जाता है, न्यूलिथिक की खोज का जो क्रेडिट जाता है, वो जाता है डॉक्टर प्रिमरोज। डॉक्टर प्रिमरोज के पास इसका क्रेडिट जाता है इसके इम्प्लीमेंट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके जो इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे न्यूलिथिक के, जो इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे न्यूलिथिक के समय के, वो पॉलिश्ड स्टोन के हुआ करते थे, ठीक है। नाइफ्स एंड एरो वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सबसे पहले इसका एविडेंस देखो, सबसे पहले कहाँ पाया गया, जो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की गई कहाँ पर, कर्नाटका में एक जगह है लिंगेसर, लिंगेसर नाम की जगह है कर्नाटका में। 1842 में इसकी डिस्कवरी की गई, किसके द्वारा, डॉक्टर प्रिम रोज के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो इसके बाद 1860 में एच पी ली मेसोरर जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स न्यूलिथिक एज के, ठीक है। कहाँ पर, टोन रिवर के पास, टोन रिवर वैली, जो टोन रिवर वैली है उसके पास कुछ न्यूलिथिक के इम्प्लीमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए थे, ठीक है। और वो कहाँ है रिवर, रिवर कहाँ है ये अलावा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी आपको, यूपी में, ठीक है। इसके कुछ प्रमाण पाए गए थे। तो न्यूलिथिक समझ गए ना, न्यूलिथिक क्या होता है। न्यूलिथिक में जो इम्प्लीमेंट्स थे, जो स्टोन थे, उसकी क्वालिटी बेटर हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं शुरू से आपको थोड़ा बताता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ कि हमने क्या किया था। सबसे पहले पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ा था, राइट। पैलियोलिथिक में क्या था, पैलियोलिथिक में तो पैलियोलिथिक में जो उस टाइम पे जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे पैलियोलिथिक में, तो वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा रफ थे, है ना। और इतना ज़्यादा उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते थे वो लोग। उसके बाद समय बदला, दिन बीते, उसके बाद आया मीजोलिथिक का समय। मीजोलिथिक का जो समय था, वो एक पर्टिकुलर नाम से नहीं पता कि हमें नाम ही देना था मीजोलिथिक का, ऐसा नहीं था। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने ना तो पैलियोलिथिक को ढंग से छोड़ा हुआ था, ठीक है, और ना ही जो नया दौर था उसको अपनाया था, ये बीच के थे, ठीक है। इसीलिए उसका नाम पड़ गया मीजोलिथिक एज, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि थोड़ी सी क्वालिटी उन्होंने बेहतर कर ली, जैसे कि अब जो रफ हुआ करते थे स्टोन, उसको उन्होंने क्या कर लिया, फ्लेक में कन्वर्ट कर दिया, थोड़े से पैने कर दिए उसको, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या आता है, नया नया दौर, बिल्कुल, कि अब सभी लोग मॉडर्न हो गए हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मॉडर्नाइजेशन अभी है, मतलब उस टाइम के बाद, क्यों, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जाता है। जैसे कि शुरुआत में कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने अपने आप को ढाला, है ना। फिर कपड़े आए, फिर हर चीज़ें, देखो मॉडर्नाइजेशन आता रहता है हर चीज़ में। तो ऐसे ही करके पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक से मीज़ोलिथिक,
ठीक है, मीजोलिथिक से न्यूलिथिक। न्यूलिथिक में क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट्स को और बेहतर करने की सोचा। अब उन्होंने क्या सोचा कि अब जो जो इम्प्लीमेंट्स आएंगे वो एक तो पैने के साथ साथ, मतलब पैने नुकीले तो हों, उसके साथ साथ पॉलिश्ड भी हों, अच्छे दिखने भी चाहिए, ठीक है, पॉलिश्ड भी हो। और थोड़ा उनमें बुद्धि दिमाग भी आया, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये कहा कि ये जो जानवर हैं जिसकी वो हंटिंग करते थे, जो उस टाइम पे मीज़ोलिथिक या पैलिथिक के समय पे जो हंटिंग किया करते थे, ऐसे कुछ जानवर जैसे कि गाय वगैरह थी, उनकी भी हंटिंग कर दिया करते थे। तो उन्होंने थोड़ा सोचा और ये जानने की कोशिश की कि जो गाय हैं उनसे उन्हें डेयरी फार्मिंग की चीज़ें मिल सकती थी, राइट। तो उन्होंने उनका पशुपालन शुरू कर दिया पहले तो न्यूलिथिक में। न्यूलिथिक में डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। तो ये था थोड़ा न्यूलिथिक के बारे में। अब न्यूलिथिक के में और चीज़ें देखते रहेंगे हम। तो अगर हम बात करें न्यूलिथिक की ह्यूमन लाइफ की, मतलब मानवीय जीवन की अगर हम बात करें न्यूलिथिक में, तो कुछ तीन पहलू समझ में आते हैं। वो कौन कौन से, एक तो क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब अब जो लोग थे उस टाइम पे वो क्रॉप कल्टीवेशन सीख गए थे, एग्रीकल्चर सीख गए थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे, फार्मिंग करने लगे थे, खेतीबाड़ी करने लगे थे, है ना, अब फसलें उगाने लगे थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर और दूसरा आया एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन, पशुपालन सीख गए थे, गायों को, अब ये गायों को पालने लगे थे, ठीक है, घोड़ों को पालने लगे थे, हॉर्स को, क्योंकि उनकी उस टाइम पे यूज़ किया जाता था इन्हें भी, है ना, काफ़ी सारी जो जिनसे उन्हें डेली की चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिनसे उन्हें प्रॉफिट होता है, वो उसकी डोमेस्टिकेट करने लगे उन्हें, ठीक है। फिर एक और आता है सामने, फिक्स्ड एडोब, अब ये क्या थे, अब ये निश्चित जगह पे रहने शुरू कर दिए इन्होंने, मतलब अब ये बंजारे या फिर घुमंतू टाइप के नहीं थे, ये इन्होंने क्या निश्चित ठिकाना इन्होंने अपना जान लिया था। मतलब पहले क्या थे कि आज यहाँ पे हैं, जैसे कोई जैसे आज यहाँ हैं तो फिर कल यहाँ होंगे, परसों यहाँ होंगे, ऐसे करके चलता था उनका सिस्टम, क्योंकि कोई जगह तो थी नहीं। लेकिन न्यूलिथिक आते आते क्या किया इन्होंने, अपने एरिया को फिक्स करके रखा कि अब यही हमारा घर है, यहीं पर हम रहेंगे, यहीं पर आसपास हम अपना काम करेंगे। तो ये था कुछ ह्यूमन लाइफ के बारे में उस टाइम पे। तो इसका सबसे बेहतरीन जो प्रमाण मिलता है, ठीक है, वो ह्यूमन लाइफ का, वो मिलता है मेहरगढ़ में। न्यूलिथिक के जो ह्यूमन लाइफ का सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो मेहरगढ़ में मिलता है, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ ये कहाँ है, ये देखो मेहरगढ़ है बोलान डिस्ट्रिक्ट में, मेहरगढ़ आपको मिलेगा बोलान डिस्ट्रिक्ट में। अब ये बोलान डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ती है, बोलान डिस्ट्रिक्ट पड़ती है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में पड़ती है बोलान डिस्ट्रिक्ट। ये एक बलूचिस्तान एक क्षेत्र है कहाँ का, पाकिस्तान का। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखो तो मैं आपको बताता हूँ ये जगह कहाँ पर है। तो देखो ये आपको जो पाकिस्तान का नक्शा दिख रहा है, इसमें जो जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया, ये आपका है बलूचिस्तान का, ये एरिया है बलूचिस्तान का, ठीक है। तो इस एरिया में सबसे पहले क्या पाया गया, न्यूलिथिक में ह्यूमन लाइफ का प्रमाण पाया गया, ठीक है, इतना समझ में आता है ना आपको। फिर आगे देखते हैं, अब आते हैं एग्रीकल्चर पर। अब इस एज में एग्रीकल्चर कैसा था, अब मैंने तो आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर भी था, है ना, लेकिन अब एग्रीकल्चर कैसा था वो भी देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका कि एग्रीकल्चर को सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी मानी गई थी इस एज में, इस युग में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी मानी गई थी एग्रीकल्चर को, ठीक है। और आपको आगे बताता हूँ कि ऐसा कई हिस्टोरियन कहते हैं कि इस जो ये एज है ना न्यूलिथिक का एज, जो न्यूलिथिक का जो समय काल है न्यूलिथिक, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, मतलब जो पहले प्रीवियस दौर पे, मतलब जैसे पैलियोलिथिक हुए, ठीक है, और ये कैसे क्या मीज़ोलिथिक हुआ, तो इनमें जितना डेवलपमेंट हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा डेवलपमेंट न्यूलिथिक में देखा गया, ठीक है। और देखो अब क्या हुआ, अब जैसे कि लोग एग्रीकल्चर करने लगे, तो लोग क्या है, अब फूड कंज्यूमर की जगह फूड प्रोड्यूसर बन गए। इस टाइम पे जो आदमी लोग थे या फिर जो लोग थे वो फूड प्रोड्यूसर बन गए कंज्यूमर की जगह, मतलब अब वो खाना बनाने लगे, अब सिर्फ खाने पर ही डिपेंड नहीं थे कि खाना ही खाना है, अब वो खाने को उगाने भी लगे, कल्टीवेशन भी करने लगे, क्रॉप्स कल्टीवेशन करने लगे, ठीक है। अब देखो कई सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो क्रॉप कल्टीवेशन है सबसे पहले शुरुआत हुआ था कहाँ पर, मेहरगढ़ में, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है बोलान डिस्ट्रिक्ट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, बलूचिस्तान में है ये एरिया, ठीक है। तो देखो
जो जो मेहरगढ़ था ना पहले, ये पहले पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही था। अब दुर्भाग्यवश ऐसा है कि इंडिया अलग हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, अफगानिस्तान अलग हो चुका है, लेकिन एक टाइम भी ऐसा था कि ये जो अपना भारत था ना, वो पूरा इंडिया से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये नेपाल वगैरह, ये सब अपने अंदर ही थे, अपने पास ही थे। बांग्लादेश वगैरह ये सब अपने पास ही थे, ठीक है। ये विभाजन बाद में हुआ है कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण, और जितने भी इन्वेडर्स आते रहे, ब्रिटिश शासन ने डिवाइड एंड रूल किया, ये इन सब कारण से हमारा देश विभाजित हो गया है। लेकिन पहले हम एक अखंड भारत के ही हिस्सा थे, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे जो स्कॉलर्स थे वो ये मानते थे, क्रॉप कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुआ सबसे पहले, मेहरगढ़ में, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देखो आगे देखते हैं, द मेन क्रॉप्स वर वीट। देखो उस टाइम पे सबसे मेन क्रॉप्स मानी जाती थी, वो मानी जाती थी वीट को मानते थे, है ना, बारले को मानते थे, पैडी को मानते थे, मिलेट्स को मानते थे, ठीक है। ये क्या थी, और कुछ टाइप की वेजिटेबल्स भी वो उगाते थे। ये कुछ क्या क्या थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी उस टाइम पे, और यही सारी इन्हीं सब क्रॉप्स पर क्या करते थे, वो फोकस करते थे। अब देखो, गेहूं का और जो बारले था, इनका सबसे पहले प्रमाण पाया गया, एविडेंस पाया गया मेहरगढ़ में। अब जो अब आपको लग रहा होगा कि मेहरगढ़ का नाम कितना आ रहा है बार बार, मेहरगढ़ मेहरगढ़ मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ में वाकई में काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली थी। अब हमारा दुर्भाग्य यही है कि वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन कोई नहीं, चलो अब देखते हैं। पैडी, पैडी जो था वो कोल्डी हवा में, जो कि अलावा डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, कोल्डी हवा नाम की जगह है, पैडी सबसे पहले वहीं मिला था। और सबसे पहले ऐसा नहीं कि इंडिया में सबसे पहले मिला था, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले पैडी की जो खोज हुई थी वो यहीं पर ही पैडी मिला था, ठीक है। पैडी मतलब सीधे सीधे इसका मतलब होता है राइस, ठीक है, राइस से मतलब होता है चावल, सबसे पहले यहीं पाया गया था अपने भारत देश में ही, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। चलिए आगे देखते हैं, अब एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे कि पशुपालन कैसा था उस टाइम पे। तो देखो, तो जैसे ही समय बीतता गया, तो समय बीतने के साथ साथ क्या होने लगे, अब ये एनिमल हस्बेंड्री में भी क्या करने लगे, ज़्यादातर फोकस करने लगे उस टाइम पे, एज़ कम्पेयर टू मीसोलिथिक और पैरोलिथिक, जो न्यूलिथिक में जो एनिमल हस्बेंड्री थी, आई मीन जो पशुपालन था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका था, ठीक है। और लोगों का इस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन भी बन चुका था एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल की हंटिंग करना, ये उनका ऑक्यूपेशन था, ठीक है। और फिश कैचिंग, शीप गॉट टैमिंग, मतलब सीधा सीधा ये है कि जानवरों का शिकार भी करते थे और मछलियाँ भी पकड़ते थे, और जो शीप गॉट होती है ना, जो भेड़ बकरी होती हैं, उन्हें भी ये पालते थे, ठीक है, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन बन चुका था। और देखिए अब क्या था, देखो, दे आर नोमैडिक लाइफ केम टू एंड नाउ, जो उनकी घुमंतू जिंदगी थी, मतलब अब वो जो घूमते फिरते थे, जो उनकी बंजारों जैसी जिंदगी थी कि अब यहाँ हैं, यहाँ से वहाँ हैं, वहाँ से वहाँ हैं, ऐसा जो था ना वो अब वहाँ रुक गया था, क्योंकि एंड दे यूज टू लाइफ बिकम अ फार्मर। देखो क्या करने लगे थे, अब ये जो अपनी जिंदगी थी, जो अपनी इनकी जिंदगी थी, वो एक फार्मर के तौर पर बिताते थे, मतलब अब वो किसान बन चुके थे, अब वो कल्टीवेशन सीख गए थे, है ना, अब वो उगाने लगे थे, फसलों को उगाने लगे थे। सीधा सीधा बोला जाए तो दे डिड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ये सिर्फ अपने आप पे अब डिपेंड होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, अब ये खुद पे ही डिपेंड थे, खुद ही उगाते थे और खुद ही खाते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ क्लॉथ्स वगैरह देख लेते हैं इनके, कि उस टाइम पे क्लॉथ्स कैसे हुआ करते थे। देखो, इन दिस एज द मैन स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन एंड लर्न अबाउट क्लॉथ। देखो सबसे बड़ी बात, इस एज को क्यों इतना अच्छा माना जाता है, क्यों इतना डेवलप माना जाता है, देखो आप खुद ही देख रहे हो कि अब ये क्या करने लगे थे, ये कॉटन भी उगाने लगे थे, कॉटन उगाना भी सीख चुके थे, और ये अब ये सीखना चाहते थे कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं इस एज पे आते आते, राइट। और देखो इसका सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस कहाँ पाया गया कॉटन का, वहाँ पर, कहाँ, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ का नाम तो आप रट लो अब, क्योंकि ज़्यादातर जगहें मेहरगढ़ से ही हैं। तो ओल्डेस्ट एविडेंस भी कॉटन का कहाँ पाया गया पूरे वर्ल्ड में, मेहरगढ़ में, जो कि बोलान डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इसके हाउसेस कैसे थे। देखो जनरली न्यूलिथिक मैन वर लिव्ड इन हट्स डेट हैड मेड ऑन द ग्राउंड बाय बम्बूस एंड सीमरिंग ऑफ क्ले।
देखो जनरली क्या करते थे ये लोग, ये जनरली रहते थे हट्स में, ये झोपड़ी में रहते थे, जो बनाते थे ना बम्बू ट्री से, ये क्या ग्राउंड पे जो बांस वगैरह होते हैं ना उससे सटा, उसको सटा सटा कर एक घर बन घर टाइप का बना लेते थे, ठीक है। और मिट्टी को धोकर उस पर लेप लगा कर, जैसे अपन करते हैं ना घरों में पेंटिंग्स करते हैं, पुट्टी करते हैं, उस टाइम पे पुट्टी मतलब यही था कि मिट्टी को गीला करके दीवारों पे अपने घरों में लगाना, ठीक है, ऐसे घर बनते थे। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, क्या एक्सेप्शन है, क्या अपवाद है, वो भी देखेंगे। तो अपवाद ये है कि हर जगह झोपड़पट्टी में नहीं रहते थे ये लोग। एक एक्सेप्शन ये भी था कि कश्मीर वैली में और जो पंजाब का हिस्सा है, पाकिस्तान में जो अभी पंजाब है उसका हिस्सा है, वहाँ पर कई जगह पिट ड्वेलिंग भी मिले, मतलब गड्ढे के अंदर गड्ढा गड्ढा कर कर ये करते थे, वहाँ रहने लगे। जैसे कि आपको एक इमेज दिखाता हूँ, मैं इमेज दिखाता हूँ, जैसे ये आप देख रहे हो कि देखो क्या करना है, इन्होंने ऊपर एक गड्ढा किया, एक ऊपर छोटा सा गड्ढा कर दिया, पहले तो उसको पूरा गड्ढा करा, फिर एक इसको ऐसा करके स्ट्रक्चर से बनाया, ठीक है, बम्बू के बांस से बना के पूरा सेटअप तैयार करके उस पर इसको ढक दिया, फिर एक बस इतनी सी जगह छोड़ दी कि हम नीचे उतर सकें बस, और फिर ये देखो आप कैसा एकदम घर टाइप का उन्होंने बना लिया। ये कहाँ मिला था, ये कश्मीर में मिला था, कश्मीर में भी मिला था, और पंजाब का कुछ हिस्सा था वहाँ मिला था, और एक जगह और है बुर्जा होम, शायद ये कश्मीर में ही है, यहाँ पर भी मिला था, ये ऐसे प्रमाण मिले थे नियोलिथिक में, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, ये एक एक्सेप्शन है। अब देखते हैं पोटरी, देख लेते हैं इनकी कि उस टाइम पे पोटरी कैसी थी। अब देखिए उस टाइम के जो लोग थे नियोलिथिक के समय के, जो 4000 BC का समय था, तो उस टाइम के लोगों को क्या करा था, उन्होंने क्या किया था, एक व्हील का जो होता है ना, व्हील जो चक्का होता है ऐसा, ठीक है, उसका इन्होंने खोज कर लिया था, ठीक है। कैसे मतलब ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा व्हील होता है, इससे क्या करते थे, वो मिट्टी के होते हैं ना घड़े बनाना वगैरह वगैरह, जो मटके होते हैं वो बनाना, उससे ये बनाना सीख गए थे अर्थ, ठीक है। ये इसीलिए उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था व्हील का। तो ये थी कुछ उनकी पोटरी, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देख ही लिया ये कैसा था सिस्टम, ये देखो आपको इसमें फोटो में भी दिख रहा होगा, ये देखो ये मटके वगैरह रखे हुए हैं, ये सब इसीलिए क्योंकि उन्होंने व्हील तैयार कर लिया था, उस पे ही ये बनाते थे मिट्टी से, ठीक है। कितना, और सबसे बड़ी बात ये कि इतना अच्छा उनमें दिमाग था उस टाइम पे, कितना अच्छा वेंटिलेशन भी उन्होंने तैयार किया, जैसे देख पा रहे होगे इसमें फ़ोटो में, देखना ज़रा आप गौर से कि देखो कैसे उन्होंने यहाँ पे एक गुफा टाइप की बनाई, ये जो ये गुफा है ना ऐसी जाती है और यहाँ से निकलती है सीधी, ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है कि यहाँ से एकदम वेंटिलेशन आता रहा है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो गुफा है ये ऐसे खुलती है ऊपर, क्योंकि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, टनल के लिए, कि सब जानते थे उस टाइम पे थोड़ा विकास हो गया था दिमाग का इन लोगों का, ठीक है। सीढ़ियाँ भी बना ली थी नीचे उतरने के लिए और सब कुछ था बढ़िया। आगे देखते हैं, अब देखते हैं बरियल प्रोसेस देख लेते हैं इनकी, कि ये कैसे लोग जो डेड बॉडीज होती थी कैसे उन्हें दफनाते थे। तो इनके भी कुछ दो टाइप्स थे, ठीक है, कंप्लीट बरियल प्रोसेस, फिर पार्शियल बरियल प्रोसेस, ये भी देख लेते हैं। तो क्या था कंप्लीट बरियल प्रोसेस और क्या था पार्शियल बरियल प्रोसेस। तो देखो देखो कंप्लीट बरियल प्रोसेस का मतलब सीधे सीधे ये है कि क्या करते थे, एक गड्ढा करते थे पूरा, जो कि आज भी इसका चलन है हिंदुओं में, सॉरी मुसलमानों में, हिंदुओं में नहीं, हिंदुओं में तो जलाते हैं। तो कैसा है कि सर्कुलर एक गड्ढा कर देंगे और डेड बॉडी को उसमें डाल देंगे पीठ के बल, ठीक है, बस ऐसे दफना देते थे उन्हें, ठीक है। और ये था कंप्लीट बरियल प्रोसेस। और पार्शियल में ऐसा था कि कुछ अवशेष डाले जाते थे, ठीक है, जो डेड पर्सन हुआ करते थे, जो डेड पर्सन हुआ करते थे उनके कुछ अवशेष डाले जाते थे, कुछ अवशेष बोले तो कुछ बोन्स मतलब जो हड्डियाँ होती हैं है ना, वही डाले जाते, पूरे पूरा उन्हें नहीं डाला जाता था, ठीक है। तो ये था कुछ कंप्लीट और वरील के बारे में। एक नोट्स और आप जान लीजिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया आपको कि इनमें दिमाग आ चुका था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं आ गया था इन लोगों में, देखना आपको सुन के भी हंसी आएगी, कि एक एविडेंस हमें मिला है कहाँ पे, मेहरगढ़ में मिला है भैया। मेहरगढ़ तो बहुत सही चीज़ समझ लो कि बार बार मेहरगढ़ का ही नाम आ रहा है। तो मेहरगढ़ में एक एविडेंस ही मिला कि एक डेड बॉडी के साथ एक बकरी को भी, बकरी की भी डेड बॉडी भी डाली गई, मतलब बकरी को भी मार के उसमें डाला गया, दफनाया गया। अब मार के दफनाया गया, जिंदा दफनाया गया, वॉट एवर, ये इशू नहीं है, लेकिन बकरी भी उसमें, बकरी का भी प्रमाण मिला। अच्छा पता है इसके पीछे सोच क्या थी, अब सोच सुन के आपको हंसी आई, इसके पीछे सोच उनकी ये थी कि जो बंदा जो मरा हुआ है वो अगले जन्म में उस बकरी को खा सकेगा। तो ये सोच से उन्होंने क्या किया,
उसको भी दफना देते। तो ये कुछ ज़्यादा ही दिमाग आ गया था मेरे को लगता है कि। देख लो ये लिखा भी है, द एविडेंस ऑफ द बरियल ऑफ द पेट एनिमल्स गॉट विद देयर मास्टर वॉज फाउंड एट मेहरगढ़ ऑफ बलूचिस्तान। प्रोबेबली दिस एनिमल वर प्लेस टू ईट वाई डेड पर्सन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। है फनी ना, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा तो ये जो था ना कंप्लीट बरियल प्रोसेस और पार्शियल वाला, ये था नॉर्थ इंडिया में, जो ऊपर का हिस्सा था इंडिया का, जो भारत का जो ऊपर का हिस्सा था ना, जो भारत का ऊपर का हिस्सा था, ये यहाँ पे इतना हिस्सा था ना ऊपर का, तो यहाँ का इतना बताया मैंने आपको कंप्लीट और पार्शियल। अब साउथ का भी देख लेते हैं नीचे कैसा क्या था। तो इस दौर में भी जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ, स्पेलिंग गलत लिख दिया इंडिया की मैंने, सॉरी INDIA, सॉरी। तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में भी दो तरीके की प्रोसेस हुआ करती थी, एक तो होते थी कंप्लीट और पार्शियल, वही सेम। अब कंप्लीट में इसमें क्या होता था कि कपल में डाले जाते थे, जो डेड बॉडीज रहती थी कपल में मिली हैं लोगों को, जो हिस्टोरियंस थे उन्हें कपल में मिली हैं, मतलब एक पुरुष की और एक महिला की डेड बॉडी मिली है एक ही ग्रेव में, ठीक है, एक ही कब्र में, और उसमें कब्र बॉडी के साथ साथ पोटरी भी और इम्प्लीमेंट्स भी डाले गए थे, ठीक है, और कुछ सामान भी, कपल्स का जितना भी सारा सामान था वो भी दफनाया जाता था, ठीक है। और पार्शियल में क्या था, तो पार्शियल में ये था कि कुछ बोन्स डालते थे, ठीक है, कुछ बॉडी के जो बोन्स हुआ करते थे, पूरी बॉडी ना डाल के सिर्फ बोन्स ही डाले जाते थे सिर्फ। तो ये था पार्शियल का। अच्छा एक चीज़ और, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि न्यूलिथिक के जो मैन थे, जो न्यूलिथिक के जितने भी जो पुरुष वगैरह थे और जितने भी लोग थे, वो कुछ ज़्यादा एडवांस्ड थे एज़ कम्पेयर टू देखा जाए मीज़ोलिथिक में और पैलियोलिथिक में। उन लोगों से ज़्यादा एडवांस कौन थे, न्यूलिथिक के, ठीक है, उनके इम्प्लीमेंट्स भी ज़्यादा अच्छे थे और पॉलिश्ड, सबसे बड़ी बात पॉलिश्ड थे और पहने थे और एकदम अच्छे प्रहार करने लायक थे, ठीक है। कुछ इम्प्लीमेंट्स देख लेते हैं इनके आगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो ये एक है, फिर ये है, ये देखो ये एकदम क्या, एकदम पॉलिश्ड हैं और एकदम पैने नुकीले हैं, ये एकदम तेज़ी से प्रहार होते थे, ये स्क्रैपर्स हैं, ये एकदम खाल छीलने के लिए होता था, ये नाइफ़ है, उस टाइम का ऐसे ही नाइफ हुआ करता था, ये कुछ हैं, ये हैमर हेड है, ठीक है, हथौड़ी का जो ऊपर का हेड होता है वो है, स्क्रैपिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, ये सब आप देख लेना ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इसकी साइड्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट साइड। तो साइट में सबसे पहले नाम आता है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, यहाँ पे जैसे कि मैंने इतनी बार आपको नाम दे चुका हूँ कि जो मेहरगढ़ है, ठीक है, वहाँ पे पाया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसी में, और जैसे कि मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में क्या अर्लीस्ट एविडेंस मिले एग्रीकल्चर के, ठीक है, वेस्ट लाइफ एज अ प्रेजेंस ऑफ वीट बार्ले एंड कैटल। देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें मिली, वीट गेहूँ की और बार्ले और कैटल्स भी यहाँ पे मिले, कैटल्स जैसे कि शीप गॉड, ठीक है, और हाउसेस डेड मेड फ्रॉम हैंडमेड ब्रिक्स, ये भी मिला कि जो हाथ से हाथ की बनी हुई जो ईंटें होती हैं उससे बने हाउसेस, ठीक है, घर मिले वहाँ पर, और स्टोन्स ब्लेड मिले, स्टोन ब्लेड की इंडस्ट्री मिली एक, ठीक है, हैंडमेड ह्यूमन स्टैचू मिले, मेयरगढ़ की बता रहा हूँ मैं, ये सब मेयरगढ़ में मिला है, ठीक है, ह्यूमन बरियल्स मिले विथ मिसलिनियस ग्रेव गुड्स, ठीक है, और जो क्या कब्र होती थी उसमें कुछ सामान मिले उन लोगों को, ठीक है, हिस्टोरियंस को यहाँ पर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है यहाँ पे इसकी जगह बता रहा हूँ क्या क्या मिला है, ठीक है, और व्हील्स मेड, जो चक्के पे जो पोल्ट्री बनाई जाती थी मटके वगैरह, ये सब मिला, टेराकोटा ऑफ एनिमल्स एंड वूमेंस, ठीक है, क्रॉप्स क्या कौन कौन सी क्रॉप्स मिली, वीट बार्ले मिलेट्स, ठीक है, डेट, ये सब मिला, मतलब खजूर। देखो एनिमल्स रिमेन भी काफ़ी मिले, जैसे कि शीप गॉट डियर एंटीलोप एलिफेंट, ये सब मिला, ठीक है। एक जगह है वहाँ पर बलूचिस्तान में, जगह है किली गुल मोहम्मद नाम की एक जगह है, यहाँ पे एविडेंस मिला एनिमल का, कौन से एनिमल का एविडेंस मिला, शीप गॉट और ऑक्स इनका, ठीक है, और हैंडमेड पोट्री भी मिली, ठीक है, और व्हील मेड पोट्री भी यहाँ पर मिली, कहाँ पर, किली गुल मोहम्मद नाम की एक जगह है, ठीक है, और एक राणा गुंदाई नाम की एक जगह है जहाँ पे हैंडमेड पोटरी मिली, ठीक है, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिली, बोन्स ऑफ एनिमल्स मिले, ठीक है, बोन्स ऑफ एनिमल्स जैसे कि शीप के बोन्स मिले, गॉट के मिले, एश के मिले, ऐसे एक्सेट्रा, ठीक है, और फोर टीथ ऑफ डंकी, मतलब जो गधा था उसके चार दांत भी यहाँ पे मिले, बताओ ऐसे भी डिस्कवरी कर लेते हैं, वाह।
और देखो अंजीरा नाम की जगह है यहाँ पे, क्या मिला, वील मेड पोटरी यहाँ पर मिली। तो ये जो है ना, ये जो उसमें जो रेड रेड में लिखा है ना, इसको आप एक तरफ लिखना, एक तरफ इसको ऐसे लिखना, उसके सामने ये जो एविडेंस मिले उसको एक तरफ लिख लेना। तो ऐसे आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इंडस वैली में जो पाकिस्तान में है वहाँ पे क्या क्या मिला। तो देखो वहाँ पे एक जगह है सराई खोला, वहाँ पे क्या मिला, पिट ड्वेलिंग मिले। जैसे कि मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, ध्यान है, ये देखो ये फ़ोटो दिखाई थी मैंने आपको, ये मिला, कहाँ मिला, इंडस वैली पाकिस्तान के पास। ठीक है, और हैंडमेड पॉलिश पॉटरी मिली। ठीक है, एक्स मेड बाय रबिंग द स्टोन, जो पत्थरों को घिसकर जो कुल्हाड़ी बना लेते थे वो मिले हैं। और जलीलपुर नाम की जगह है, वहाँ पर स्टोन ब्लेड्स मिले, इंडस्ट्री मतलब स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिली। एनिमल्स, जानवर मिले, कौन कौन से जानवर का, जानवरों के तत्व मिले, शीप, ठीक है, भेड़ बकरी, डियर, ये सब हिरन वगैरह, इन सब के अवशेष मिले। ठीक है, कहाँ, सराय कोला नाम की जगह, सॉरी जलीलपुर नाम की जगह है इंडस वैली के पास पाकिस्तान में। ठीक है, एक जगह है गुमला नाम की, जिसमें बोन्स ऑफ डोमेस्टिक कैटल के बोन्स मिले। ठीक है, जो पालतू जो पशु थे उस टाइम पे, कैटल्स थे, भेड़ बकरियाँ रहते थे जो पालतू, उनके हड्डियाँ भी कहाँ पे, गुमला नाम की जगह पे मिली। ठीक है, फिर एक क्या नाम है इसका, घालीगाई नाम की जगह है, यहाँ पे हैंडमेड पोटरी मिली। ठीक है, और पेंटेड पोटरी भी इस यहाँ पर मिली। तो ये काफ़ी सारा इन डिटेल है, ये आपके सामने एक स्लाइड तैयार है, ये आप एकदम देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना और लिख लेना। ऐसा नहीं है कि एकदम एक एक करके ऐसा पूछ लेंगे, आपको बस थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है इसमें, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, अच्छा रहेगा जानकारी के लिए। कश्मीर है, कश्मीर में देखो आप ये सब जगह दिख रही हैं, बुर्जा होम, बुर्जा होम में भी पिट ड्वेलिंग मिला था, जैसे कि आपको फ़ोटो दिखाई थी, कश्मीर में जो बुर्जा होम वहाँ पर भी पिट ड्वेलिंग मिला था। ठीक है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में देखो, सिचुएटेड इन सोन रिवर वैली ऑफ सिद्धी डिस्ट्रिक्ट, सिद्धी डिस्ट्रिक्ट में जो सोन रिवर वैली सिचुएट है वहाँ पर भी काफ़ी अवशेष मिले। कुंजा होम में और लाला नहिया नाम की जगह है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे अवशेष न्यूलिथिक साइट्स मिली। ठीक है, फिर यह देख लो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो अलावा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे कोल्डी हवा में मिला, क्या मिला, राइस हस्क मिला, एंड स्ट्रो ऑफ द पीस ऑफ अर्थन वेसल, जो मटका वगैरह होता है ना वो यहाँ पे मिला, और राइस मतलब जो क्या होता है चावल का जो भूसा होता है वो एकदम यहाँ पर मिला कोल्डी हवा में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर कुछ साइड मैंने लिख दी हैं, ऐसे ही मैं आप याद कर लेना, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है, यहाँ पर भी न्यूलिथिक के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट न्यूलिथिक एज के बारे में, जितना मैंने बताया इतना इनफ है पढ़ना। ठीक है, और बाकी आप एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ते जाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी के बाद जब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर एक मतलब फिर से एक बार रिविज़न करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, और फिर आपको वो चीज़ें इंटर रिलेट करेंगी और समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, न्यूलिथिक पूरा हो चुका है, अब जो वीडियो आएगी वो मैं आपको बताऊंगा चालकोलिथिक के बारे में, चालकोलिथिक। अभी तक हम देख रहे थे स्टोन एज के बारे में, ठीक है, कौन सा स्टोन, स्टोन वगैरह, स्टोन के बारे में देख रहे थे, अब हम देखेंगे कॉपर स्टोन के बारे में, कॉपर के जो स्टोन थे उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद आएगा सीधे सीधे हम देखेंगे उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ज़्यादातर हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद वैदिक कल्चर, फिर अर्ली, फिर उसके बाद देखते जाएंगे, ऐसे करके चैप्टर अपना चलता रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री चलती रहेगी। और ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी प्लीज़ करिए। थैंक यू।